गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्या किया है कि एक्स टी इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, एफ इज ए सबसेट ऑफ एक्स, देन एफ इज कॉल्ड क्लोज इफ एंड ओनली इफ ड्राइव सेट ऑफ एफ कंटेन टू एफ, कि ड्राइव सेट ऑफ एफ किसका सबसेट हो आपके एफ का। यदि इस तरीके की कोई कंडीशन है तो हम क्या कहेंगे कि ये एफ आपका क्या है, क्लोज सेट। तो उसके लिए हमारे पास थ्योरम है कि एक्स इज डज नॉट बिलोंग टू एफ, कि x आपके f में नहीं है, और f इज ए क्लोज सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी, कि x आपका क्या है, क्लोज f आपका क्या है, क्लोज सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी को। तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट g सच दैट x बिलोंग्स टू g एंड देयर कंटेन x माइनस f, कि इस तरीके का एक ओपन सेट आपके पास g होना चाहिए जिसमें क्या वो x बिलोंग करेगा और वो g किसके अंदर, किसका सबसेट रहेगा, x माइनस f का। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन यानी मान के चल रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि इस तरीके का आपके पास कोई भी जी नहीं है कि जो इस कंडीशन को आपकी को क्या करे, सेटिस्फाई। यदि इस तरीके का जी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जी कैसा है, कि जी आपके पास क्या ओपन सेट है, ठीक है, जो किसको कंटेन कर रहा है, एक्स को। ठीक है, उसके बाद क्या कहे, आपके पास एक्स माइनस एफ इस तरीके का नहीं है कोई ओपन सेट, तो इस तरीके का नहीं, इसका मतलब क्या है, जी इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू फाई। यदि इस तरीके का आपके पास कोई जी ओपन सेट होता तो उसका मतलब क्या था कि जी इंटरसेक्शन एफ आपके पास क्या आ जाता है, फाई। अब है ऐसा हमने पॉसिबल माना है कि ये नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू फाई। ठीक है, तो हम कह रहे हैं एक्स आपका एफ में बिलोंग नहीं कर रहा, एक्स एफ में बिलोंग नहीं कर रहा, तो एफ इंटरसेक्शन जी माइनस में एक्स आपके पास नॉट इक्वल टू फाई ही आएगा। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू फाइव है और इसमें एक्स है ही नहीं, कोई ना कोई और एलिमेंट है, तो आपके पास ये क्या आ गया, नॉट इक्वल टू फाइव। सारे जी आपके किससे आ रहे हैं, आपके टोपोलॉजिकल स्पेस जे से, एक्स आपका किस में है, आपकी जी में। तो यहाँ से ये किसकी कंडीशन बन गई कि एक्स आपका क्या है, लिमिट पॉइंट है एफ का, एक्स लिमिट पॉइंट है एफ का। इसका मतलब क्या है, एक्स किस में जा रहा है, आपके ड्राइव सेट ऑफ एफ में, और ड्राइव सेट ऑफ एफ किसका सबसेट होता है, आपने क्लोज सेट की डेफिनेशन में किया है कि ड्राइव सेट ऑफ एफ किसका सबसेट है, एफ का। ड्राइव सेट ऑफ एफ यदि एफ का सबसेट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, एफ आपके पास क्या हो गया, क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड है आपका एफ, तो एक्स को किसके अंदर बिलोंग होना पड़ेगा, एफ के अंदर। ठीक है, एफ के अंदर जा रहे हैं, लेकिन पहले आप कह रहे हो एक्स एफ के अंदर है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि हमने जो सपोज किया है कि आपके पास ऐसा जी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो क्या है, रोंग। आपके पास ऐसा एक जी एग्जिस्ट करेगा ओपन सेट जिसमें एक्स बिलोंग होगा, और वो किसका सबसेट रहेगा, एक्स माइनस एफ का। ठीक है, हो जाएगी ये थ्योरम। उसके बाद सेकेंड है, कॉलरी है आपके पास, इसमें क्या बोल रहे हैं कि इफ एफ इज ए क्लोज सेट देन एक्स माइनस एफ इज एन ओपन सेट, कि एफ आपने क्लोज ले लिया तो एक्स माइनस एफ आपके पास क्या हो जाएगा, ओपन सेट। उसके लिए एक्स हम बिलोंग लेके चल रहे हैं, इससे एक एलिमेंट ले लिया एक्स बिलोंग का, एक्स माइनस एफ तो इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये एक्स आपके एफ के अंदर नहीं है, और एफ आपका क्या है, क्लोज है। क्लोज है तो इसके पास क्या, एक ओपन सेट जी एक्स है। तो लास्ट वाली थ्योरम से आप दिखा सकते हो कि x किस में बिलोंग कर जाएगा, जी एक्स ओपन सेट में, और वो जी एक्स किसके अंदर होगा, x माइनस एफ। इससे लास्ट वाली थ्योरम जो आपने की है वहां से ये आ जाएगा। फिर x आप x माइनस एफ में बिलोंग करवा रहे हो, ठीक है, सिंगलटन सेट x है, इसके जितने भी आपके x एलिमेंट हैं हम कह रहे हैं x बिलोंग करेंगे इसके, उन सबका यूनियन कर दो, तो यूनियन आपके जी वाले सेट का x बिलोंग टू x माइनस एफ जी, ये आपके किस में, एक्स माइनस एफ में कंटेन हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका सारे सिंगलटन सेट का यूनियन कर दिया, इसका मतलब ये वाला आपके पास कंप्लीट सेट ही एक्स माइनस एफ आ गया। ठीक है, ये इसके अंदर कंटेन हो गया, ये इसके अंदर है, तो इन इस वाली इक्वेशन से आप क्या बोल सकते हो कि आपके पास ये इसके इक्वल आ गया, और जी एक्स आपका क्या था, ओपन था, ओपन सेट का आप क्या कर रहे हो, यूनियन ले रहे हो, यूनियन ले रहे हो, तो वो फिर से क्या आएगा आपके पास, ओपन आएगा, ओपन आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस एफ आपके पास क्या है, ओपन है। ठीक है, और एफ आप क्या लेके चल रहे हो, आपके पास ऑलरेडी पहले से क्लोज आया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया कि आपके पास ये एक्स माइनस एफ क्या आपका एक ओपन सेट है। ठीक है, जी एक्स आपके सभी टोपोलॉजिकल से हैं, सभी ओपन है, ओपन है तो इसका यूनियन भी आपके किस में जाएगा, आपकी टोपोलॉजी के अंदर, टोपोलॉजी के अंदर सभी ओपन ही रहते हैं, तो यूनियन से फिर क्या हो गया आपका, ओपन। तो यहाँ से ये एक्स माइनस में एफ भी क्या हो गया आपका, ओपन सेट। ये कॉलरी जरूर है लेकिन इम्पोर्टेंट है,
इस वाले कॉलोरी को करने के लिए आपको लास्ट वाली थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद उसी का रिवर्स है कि वहाँ पे x माइनस एफ क्लोज, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ x माइनस एफ इज ओपन, ये आपका ओपन है तो देन प्रूव करो कि f आपका क्या रहेगा, क्लोज, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, वी सेल शो डेट ड्राइव सेट ऑफ f, हम ये प्रूव करेंगे कि ड्राइव सेट ऑफ f किसका सबसेट हो जाएगा, f का सबसेट हो जाएगा, तो क्या बोल सकते हो कि f आपका क्या है, क्लोज,